तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कितने डेसिबल का आवाज ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ध्वनि प्रदूषण में विविध प्रकार के शोर तेज आवाज शामिल है जो अनावश्यक है और मनुष्य जानवरों और पक्षियों के लिए ध्वनि प्रदूषण खतरनाक साबित हो सकता है। इल कारखाने वाहनों के मशीन वाहनों के हॉर्न जेट और सुपरसोनिक विमानों का शोर और लाउडस्पीकरों का उपयोग ध्वनि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ध्वनि प्रदूषण को जिसमें मापा जाता है वो है डेसिबल। सीधे खुले कानों से सुनाई देने वाली अत्यंत धीमी आवाज 0 डेसिबल की मानी जाती है। वैसे तो मनुष्य की सुनने की क्षमता 140 डेसिबल तक होती है। इससे ज्यादा तेज आवाज से कान के पर्दे फट सकते हैं, बहरे हो सकते हैं। हमारे कानों के सामने बोले जाने वाली धीरी धीरी बातचीत की ध्वनि लगभग 10 से 12 डेसिबल जितनी होती है। मनुष्य आमतौर पर 30 डेसिबल तक की आवाज सुनना पसंद करते हैं। इसके बाद ज्यादा आवाज से परेशानी शुरू होती है। करीब 80 डेसिबल की आवाज मनुष्य को स्तब्ध कर देती है और इसके बाद की आवाज शारीरिक और मानसिक क्षति को बढ़ा देती है। इसे 100 डेसिबल का शोर अधिक बार नहीं सुना जा सकता। 101 से 125 डेसिबल तक की आवाज हमें बहुत ही असहज करती है और इसके ऊपर की डेसिबल की आवाज बहुत ही भयानक होती है। इस प्रकार 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। यदि वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।